नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको सर्वनाम शब्द युष्मद् के शब्द रूप का अध्ययन कराऊंगी। युष्मद् शब्द जिसका के अर्थ होता है तुम या तुम दोनों और तुम सब, ठीक है। युष्मद् शब्द का तुम दोनों और तुम सब ये अर्थ होता है तीनों वचनों में अलग अलग। तो आइए देखते हैं, पहले संस्कृत की विभक्तियों का एक बार उच्चारण कर लें। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं एक बार इसका उच्चारण करेंगे विभक्तियों का, क्योंकि संस्कृत का जितना उच्चारण करते हैं उतनी ही शुद्ध रूप से आपको याद हो जाती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। आइए जानते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों और युयम का अर्थ है तुम सब। ऐसे ही द्विवचन में देखेंगे त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तृतीय विभक्ति में त्वया तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी तुम सबके द्वारा या तुम सबसे। इसी क्रम में चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबके लिए। पंचमी में त्वत माने तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, अलग होने के लिए वाली विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, युष्मद् तुम सबसे। षष्ठी विभक्ति में तब, तब माने आपका या तुम्हारा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में चिन्ह क्या होता है, रारी रे या काकी के। युवयोः माने तुम दोनों का और युष्मा का माने तुम सब का। इसी क्रम में सप्तमी विभक्ति आती है त्वयि माने तुम में, युवयोः तुम दोनों में और युष्मासु तुम सब में। अब हमने इनके एक वचन द्विवचन और बहुवचन इन सभी के अर्थ जान लिए विद कारक चिन्हों के साथ। तो आइए एक बार उच्चारण करते हैं, बोलिएगा एक वचन में। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि। कैसे? त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि। इसी क्रम में द्विवचन का युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः। इसी क्रम में आइए देखते हैं बहुवचन। यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम् युष्मासु। यूयम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम् युष्मासु। आशा करती हूँ युष्मत् शब्द के शब्द रूप जो है ये सर्वनाम शब्द था मध्यम पुरुष का, वह आपको समझ में आए होंगे कि इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं और क्यों इनके शब्द रूप संस्कृत में याद करने की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी अन्य विषय के साथ या अन्य शब्द रूप के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।